रशिया और यूक्रेन में वॉर होने के कुछ दिन बाद से ही आखिर क्यों एक एक करके रशिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की मौत हो रही है? कोई अस्पताल की खिड़की से गिरकर मर रहा है तो किसी ने खुद को फांसी लगा ली है। क्या इन मौतों के पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ है? आखिर क्यों पुतिन अपने ही देश के बिजनेसमैन की जान के पीछे पड़ गया है? आखिर क्या है इन मौतों के पीछे का रहस्य? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रूसी समाचार एजेंसी तास ने अपनी खबर में बताया कि मॉस्को के एक अस्पताल की खिड़की से नीचे गिरकर रविल मगनोव की मौत हुई है। वहीं तेल कंपनी लुकोइल ने अपने बयान में कहा कि रविल मगनोव की मौत एक गंभीर बीमारी से हुई है। इस मौत को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जंग को लेकर बयान देने के बाद से ही उन पर क्रेमलिन यानी कि रूसी राष्ट्रपति भवन की नजर थी। ऐसे में उनकी मौत को क्रेमलिन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 9 जुलाई 2022 को सेंट पीटर्सबर्ग स्थित अपने घर के स्विमिंग पूल में 61 साल के यूरी वोरोनोव का मृत शरीर पानी में तैरता हुआ मिला था। आपको बता दें कि यूरी एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक थे। यूरी वोरोनोव के शरीर पर गोली का निशान मिला। पुलिस के मुताबिक किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या की है। रूसी जांच एजेंसी ने बताया कि मृत शरीर मिलने से करीब 14 घंटे पहले उनकी मौत हुई थी। 7 मई 2022 को रूसी तेल कंपनी लुकोइल के पूर्व महाप्रबंधक अलेक्जेंडर सुबोटिन की मौत एक तहखाने में हुई थी। मौत के बाद उनके शरीर में जहर मिला था। जांच में पता चला कि उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया गया था। 19 अप्रैल 2022 को स्पेन के कैटालोनिया पुलिस के पास रूसी बिजनेसमैन सरगेई प्रोटोसेनिया के बेटे का कॉल आया। उसने पुलिस से कहा कि कई घंटों से वो अपने माता पिता को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है। पुलिस सरगेई प्रोटोसेनिया के कैटालोनिया वाले घर पहुंची तो हैरान रह गई। दरअसल धारदार चाकू से सरगेई की पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी, जबकि घर के बगीचे में बिजनेसमैन का मृत शरीर एक पेड़ से लटका हुआ मिला था। 18 अप्रैल को रूसी गैस कंपनी के बैंक गजप्रॉम बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष व्लादिस्लाव अवायव, उनकी पत्नी और बेटी की मॉस्को के एक अपार्टमेंट में मौत हो गई। अपार्टमेंट अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर सबसे पहले पुलिस की नजर मरे हुए अवायव पर पड़ी, जिनके हाथ में बंदूक थी। उनकी गर्भवती पत्नी और उनकी बेटी उनके बगल में फर्श पर थी। उन दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद 28 फरवरी को दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के अपने घर में वाटफोर्ड मृत मिले थे। वाटफोर्ड का मृत शरीर उनके ही घर के गैराज में फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला था। रूस और यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही अलेक्जेंडर ट्यूलाकोव का शव उनके घर के गैराज में फंदे पर झूलता हुआ मिला था। लेकिन अब सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि आखिर जिन 7 रूसी बिजनेसमैन की मौत हुई, उनमें रविल मगनोव और व्लादिस्लाव अवायव भी थे। ये दोनों तो पुतिन के काफी करीबी थे। इसके बावजूद भी उनकी तरफ से देश के टॉप बिजनेसमैन की मौत पर मर्डर केस की जांच आदि को लेकर कोई भी बयान क्यों नहीं आया? इन सभी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।